हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी उठा हूँ, पावर बैंक ना चार्जर तो मेरे वाला मैडम लेके गई है, तो उसके वाला चार्जर पावर बैंक में चार्ज होता था, तो बाहर बैठे हम अलग। रात उसको शेखर को दे दिया था भतीजे को चार्ज लगाने के लिए, अभी लेके आया उसके साथ में। सुबह में बैठे मलंग, देखिए क्या क्या बोलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, तो प्याज की गाड़ी चल चुकी है राजस्थान से सीकर से, तो वो कम से कम शाम तक आएगी। अगर शाम तक आ जाए ना तो फिर कल चलने लायक हो जाएंगे, नहीं तो फिर कल का दिन भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आज शाम तक आती है तो मान लो 250 किलोमीटर पड़ेगा कम से कम, 250-300 प्रॉपर पक्का पता नहीं है मेरे को। और मान लो कम से कम 20 टन माल लेके आएगी, 200 क्विंटल, 200 क्विंटल माल लेके आएगी, 70-80 क्विंटल अपन ले लेंगे। और अगर बढ़िया माल हुआ तो, अगर गिल्ला नहीं हुआ तो, गिल्ला माल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा जल्दी। सूखा माल होगा तो वो सही है। तो देखेंगे, आने दो गाड़ी को, फिर दिखाएंगे आपको कैसा माल है, क्या रेट पड़ेगा। 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर पड़ेगा अपना गांव सीकर, सीकर से तो ये मान लो कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे। गाड़ी लोड की आएगी ना, अंडर लोड, इसलिए 12-13 घंटे लग जाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, शाम तक आएगी। दही है, लस्सी है, सब्जी है, रोटी है, तो अभी खा रहा हूँ। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मौसम देखो, सुहाना मौसम है, धूप है, बादल है। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, अच्छा व्यू है सनसेट का ना, हमारे हिसार चंडीगढ़ वाला रोड है। बेटा भाई गाड़ी आ चुकी है भाई प्याज की, उच्चो है बड़े बड़े कर। प्याज की गाड़ी आ चुकी है, तो कल दिखाएंगे आपको कैसे चलेंगे चंडीगढ़, कितने रुपए पड़ा प्याज, क्या रेट होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं, थैंक यू।